ओके गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई. क्वेश्चन नंबर 9. साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 4:9. एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन रेशियो. हमें क्या बताया, दो ट्रायंगल्स है. फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डी ई एफ दोनों सिमिलर है और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो है 4:9. मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन क्या है. गिवन है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ, ये दिया गया. और क्या क्वेश्चन कह रहा है, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 4:1. मतलब ए बी डिवाइडेड बाय डीई इज इक्वल टू बीई बी सी डिवाइडेड बाय ईएफ बराबर है सी ए डिवाइडेड बाय एफ डी, वो बराबर है 4:9. ये गिवन है भाई किसे. ठीक, हमें क्या बताना है, इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो वो किसके बराबर होगा. हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल्स, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके एरियाज का रेशियो होता है बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर. तो हम लिखेंगे देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ होगा बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले लो, एबी बाय डीई लेते हैं, एबी बाय डीई इसके स्क्वायर के बराबर होगा. लेकिन एबी बाय डीई वो किसके बराबर, 4:9 का स्क्वायर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ वो बराबर होगा 4 को अलग से स्क्वायर करो और 9 को अलग से. 4 4s are 16, 9 9s are 81. मतलब इन दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो होगा 16:81.